हेलो फ्रेंड्स, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पाव भाजी। पाव भाजी सबसे फेमस फास्ट फूड है या स्ट्रीट फूड है। महाराष्ट्र में पाव भाजी स्ट्रीट फूड का राजा कहलाता है। आप इसे चाहे ब्रेकफास्ट में खा लो, लंच में खा लो, या इवनिंग के टाइम पे स्नैक के तौर पे खाओ, या फिर डिनर पे, कहीं पर भी ये फिट हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। सबसे पहले टोमेटो आला लहसुन का प्यूरे बनाते हैं। एक मिक्सी जार में रफली चॉप किया हुआ दो टोमेटो, 2 इंच अदरक और 8-10 कली लहसुन की, इन सबको मिला के बारीक पीस लें। अब एक प्रेशर कुकर में धो के आधा हिस्सों में कटे हुए आलू डाल दें। मैंने 8 से 10 आलू लिया है और फ्रेश मटर भी लिया है। आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च सभी को रफली चॉप करके डाल दें। उसके बाद मीडियम साइज़ का आधा कटा हुआ बीटरूट भी डाल दें। इससे पाव भाजी में बहुत ही अच्छा सा रंग आता है। आर्टिफिशियल रंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सारी सब्जियां डूब जाए इतना पानी डाल के 4 से 5 सीटी पकाइए। प्रेशर उतरने के बाद सब्जियों को एक छलनी में निकाल दें। सारी सब्जियां अच्छे से पक गए हैं। इस बचा हुआ पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम भाजी बनाते वक्त यूज़ करेंगे। आलू का छिलका निकाल के सारे सब्जियों को मैश करके लेंगे और एक मोटी कढ़ाई में 2 टीस्पून बटर डाल दें। बटर मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा तेल भी मिक्स किया है मैंने। अच्छे से बटर को मेल्ट करें। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा कटे हुए प्याज को डाल के प्याज गुलाबी रंग होने तक अच्छे से भून लें। छोटे टुकड़ों में काटे हुए टमाटर भी डाल दें। अब इसमें आला लहसुन टमाटर का प्यूरे डाल दें और अच्छे से मिलाएं। गैस के आंच को मीडियम रखें। अब इसमें नमक, पाव भाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च सभी मसालों को डाल के अच्छे से मिलाएं। हल्का सा पानी डाल दें ताकि मसाला कढ़ाई को चिपके ना। मसालों से तेल बाहर आने तक ज़रा इसको पकाएं। अब इसके अंदर मैश किया हुआ सभी सब्जियों को डाल के अच्छे से मिलाएं।
अभी इसके अंदर सब्जियों को पकाया हुआ जो पानी बचा था वो पूरा पानी डाल दें। जैसे जैसे सब्जी पकता जाएगा वो गाढ़ा होता जाएगा, इसलिए पानी की मात्रा को आप कम या ज़्यादा आपके हिसाब से डाल दें। भाजी को अच्छे से मिलाएं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून बटर डाल दें। बटर डालने से अच्छे से शाइनिंग आ जाता है भाजी के अंदर और मसाले भी उठ के देखते हैं। भाजी तैयार है। अभी कटे हुए हरे धनिया डाल के इसको सजाएं। एक तवे के ऊपर 1 टीस्पून बटर डाल दें। उसके ऊपर कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, और 1-2 चम्मच भाजी, तीनों को डाल के अच्छे से मिलाएं और कटे हुए पाव को लें सेके इसके ऊपर। पाव को बीच में से ऐसे आधा करके ऐसे सेकने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसे चारों बाजुओं से उसको अच्छे से सेकना है। अभी पाव भाजी तैयार है, इसको प्लेट में डालते हैं। पाव भाजी को यूजुअली प्याज और नींबू के साथ सर्व किया जाता है। आप अपने हिसाब से प्लेटिंग करें। गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसे लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।